आज आपको पटना के जज और वकील का वीडियो दिखाएंगे, जहां देखिए वकील जब हिंदी में बात करने लगे तो जज साहब उन्हें क्या कहते हैं। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। फुल बेंच अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। नो हुजूर, आइए का यू वांट टू फाइल ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ऑर्डर डेटेड ऑर्डर पास इन सिविल मिसलेनियस 188 ऑफ 2021 और नॉट? हाँ, हम दाखिल नहीं किया, लेकिन एक आईए फाइल किया है आदेश को वापस लेने के लिए और अनुवाद अनुवादक विभाग से करवाने के लिए। वेयर इज दैट फुल बेंच डिसीजन? फुल बेंच डिसीजन हुजूर, वेयर इज दैट? गिव द साइटेशन। जी, ये 2019 टेक डाउन मिस्टर वॉल्यूम 2 PLJR पेज 809। सो एंड सो उसके लिए अनुवादक विभाग है। दिस इज ऑर्डर रिजेक्टेड हुजूर, उसमें एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं, उसको देखिए। टेक अप दिस मैटर हुजूर, एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं पेज 13 पर। नन इसी बिंदु पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद पाया गया। सर आई एम रिलाइंग ऑन फुल बेंच डिसीजन। हाँ, तो फुल बेंच का डिसीजन देख करके ही ये ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है सर, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है वो, तो हुजूर मानने के लिए आई एम बाउंड बाय फुल बेंच डिसीजन। फुल बेंच डिसीजन देख करके ही ऑर्डर हुआ है। हाँ, ठीक है, पेज हुजूर 13 पर है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। फुल बेंच डिसीजन पर ही सुनवाई हुई। हाँ ठीक है सर, तो फुल बेंच डिसीजन हुजूर हम पढ़ देते हैं। फुल बेंच डिसीजन को हुजूर ठीक से समझ लिया जाए। काहे कि एक बार मतलब आजादी के पहले से हुजूर पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल हो रहा है और बिना अंग्रेजी अनुवाद लिए हुए गुण दोष पर सुनवाई हो रही है आज के तारीख में भी पटना हाईकोर्ट में। ये गिव द बुक फुल बेंच डिसीजन। जी, यू आर रीडिंग इन हिंदी, डू यू थिंक दैट आई विल अंडरस्टैंड? व्हाई यू वांट टू रीड अननेसेसरी? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग, पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड, एक सदस्य का विचार। यू पी आर कीप ऑन आर्ग्यूइंग द मैटर इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। With reference to para 138 of the full bench decision, you are required to furnish translated version. You are not complied my previous order, therefore I have rejected your claim. तो इसीलिए तो उसको वापस लेने के लिए हमने IA फाइल किया। हमारा ये है वैसी उसी फुल बेंच का डिसीजन को देख करके। सर टेक अप दिस मैटर एंड टेस्ट बिफोर द LPA बेंच। LPA बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर। नो आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। बेंच तो 138 फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। गिव द बुक, डू इट। हाँ, तो इसी पर तो अब देखा जाएगा ना, एक एनेक्सर जो हम लगाए हैं डीबी का, ये हमसे नहीं लेना है। अगर हम ही को देना पड़ेगा तो हम हिंदी में काहे के लिए फाइल करेंगे? ठीक है, तब तो हम फाइल ही नहीं करेंगे। टेक अप दिस मैटर बिफोर LPA। वो एक डिवीजन लैंड काउंसिल पर एक डिवीजन बेंच का हुजूर हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको देखने में क्या जाए? सर विच विल प्रिवेल, फुल बेंच और डिवीजन बेंच? तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।